तो यहीं से शुरू होती है आज नायगांव का सफ़र, और नायगांव का जो सिटी एक्सप्लोर है उसमें आज आपका बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। बस ये पहुंचने वाली है नायगांव स्टेशन, और मैं चाह रहा हूँ तो यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ और कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ। और धीरे धीरे नायगांव जो है वह डेवलप हो रहा है। नायगांव अगर वेस्ट की बात करें, कंपेयर करें, तो ईस्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें आ रही हैं। तो ये देखिए आप, स्टेशन बस आने वाला है नायगांव, और बस इसी नायगांव का मैं बहुत सारी चीज़ें आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये नायगांव स्टेशन है, जो मुंबई का जो विरार से स्टार्ट होता है ये स्टेशन। ये पूरा स्टेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये यहाँ का स्टेशन है और यहाँ की सारी चीज़ें हैं। आज यहाँ पे स्टेशन पे हम आज सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर और यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे आए हो? बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं। नायगांव का जो कुछ और एरिया है आज हम उसे कवर करेंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा नायगांव ईस्ट है, और आप सबको सामने ये सनटेक की बड़ी बड़ी टावरें दिखेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगे। आज इसी के सारे की जो डॉन बॉस्को रोड है, जो डॉन बॉस्को रोड है, और इसी के साथ सारे सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर और कौन कौन से एरिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर रेड़ी लगती है, जो अलग अलग जो सब्जियाँ मार्केट है, ये वो है। और उसके सामने देखिए आपको ब्रिज दिख रहा होगा, इसी ब्रिज से जाया जाता है, नौकार जाया जाता है, और सनटेक की तरफ जाया जाता है, सनराइज एकेडमी की तरफ जाया जाता है, इसी के साइड सीरीज जाती हैं। तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा नायगांव ईस्ट का इलाका है, और आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और भी जो इलाके हैं उसे आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा नायगांव का ब्रिज, और ये रहा नायगांव का जो ईस्ट है वो पूरा इलाका है। आज यहीं से पूरा नायगांव कवर करने वाले हैं, और आपको जो डॉन बॉस्को रोड है ये वो हम सारी चीज़ें आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो इलाका ये वो आपको कैसे लगेगा। तो ये जो जाती है नौकार की तरफ, ये वहाँ पर आज हम जाएंगे। यहाँ का रिक्शा स्टैंड है, और इसी रिक्शा स्टैंड की बहुत सारी चीज़ें आज हम आपको शो ऑफ करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग में आज आपको बहुत सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ देंगे कि शायद आपको चीज़ें समझ आए। तो ये रहा यहाँ का रिक्शा स्टैंड, और ये रहा पूरा रिक्शा स्टैंड जो ग्लोबल की तरफ जाता है, जो सनराइज़ की तरफ जाता है, सनराइज़ एकेडमी की तरफ जाता है। तो ये वो पूरा इलाका है। आज इस ब्लॉग में हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं आपको, सारी चीज़ें दिखाएंगे, और शायद हो सके तो मैं अच्छे से आपको इसके लिए एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो ये जो अभी ब्रिज बनी है, ये भी ब्रिज भी आप देख लें, ये जो नायगांव ईस्ट और वेस्ट को जोड़ दिया है, जिसके वजह से इसकी डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इलाका नायगांव, इसका जो डॉन बॉस्को रोड है ये वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देख लिया आपने, ये यहाँ का टी पार्क है, जो यहाँ पर सारी चीज़ें बनती है, गाड़ियों की पार्किंग, ये वही है, ये पूरा इलाका है। और बहुतों ने कहा कि थोड़ा सा आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो, दिखाओ, तो मैं थोड़ा चलते चलते वॉक एंड एक्सप्लोर में ये करीबन 100वां एपिसोड है, ये 100वां एपिसोड है, 100वां, 100 से शायद ज़्यादा हो गया होगा। तो ये 100वां एपिसोड जो मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, अभी भी इसका कच्चे काम चल रहे हैं, और अभी ब्रिज के नीचे का जो डेवलपमेंट है ऐसे ही बाकी है। इस दूरी पर आगे तक पूरा जो खाली है पार्किंग है, और पार्किंग ही आपको दिखेगा। तो शायद मैं सोच रहा था कि ये पार्किंग आपको दिखे, और
आपको यहाँ से कुछ कुछ बिल्डिंगें दिखनी शुरू हो गई है। पहले ये पूरी खाड़ी हुआ करती थी ज़्यादा करके यहाँ पे, अभी भी नमक की खेती हुई है और अभी भी नमक की खेती यहाँ पर होती है। तो ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं ये नायगांव ईस्ट है, जिसे स्टेशन रोड कहते हैं, डॉन बॉस्को रोड कहते हैं, उसी रोड पर मैं चल रहा हूँ। और ये देखिए बड़ी बड़ी जो सनटेक की टावर है, नौका टावर है, और अलग अलग जो किनी कॉम्प्लेक्स है वो आपको शायद दिखना शुरू हो गया होगा। तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये सब पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो राइट साइड में है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो ऊंची ऊंची इमारत ये साथ अभी बनी हुई है। और ये देखिएगा ये पूरा धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। पानी अभी यहाँ पे कहीं पे म्यूनसिपालिटी का भी है, कहीं पर आपको बोरिंग का भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो किराया है वो स्टार्टिंग है जो स्टेशन के आसपास है 6,500 रुपये किराया है यानी रेंट। और एक फ्लैट लेने जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 30-35 लाख 40 लाख यानी 20 के बाद से शुरू हो जाती है, मतलब 20 आप प्लस मान के चलो तब से यहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये जो दिख रहे हैं आप, आपको शायद ब्रिज भी दिख गया होगा, ये पूरा इलाका आपको दिख गया होगा, ये पूरा इलाका नायगांव इसका है। चलिए आपको आगे से भी और दिखाते हैं। सिटी जब भी एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिखाते भी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ और अच्छे से दिखा पाऊँ। और नायगांव का मैं हर एक सोच रहा हूँ एक एक इलाका कवर करूँ, एक एक सारी चीज़ें, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो गांव हो, देहात हो, चाहे वो सिटी हो, हर एक चीज़ को कवर करूँ। तो अभी जो बज रहा है वो 12 बज रहा है और 12 बजे का जो नज़ारा है जो आप इसे देख रहे होंगे आपको शायद समझ आ रहा होगा इसके लिए। तो चलिए सामने का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। ये लिए मैं अभी बस पहुँचने वाला हूँ, जो थोड़ा सा पेड़ झाड़ झंकार था वो जो थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, अब यहीं से सारी बिल्डिंगें शुरू हो जाएगी। ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये जो नाली है ये उस साइड की है और जो जिसके बीच में एक नाली बहती है जो समुंदर में जाकर वो गिरती है, ये वो नाली है। और ये गवर्नमेंट की जगह है इसके लिए इतनी हरियाली है। और स्टेशन रोड के पर हम चल रहे हैं जो नायगांव इसका है। और अगर आप यहाँ पे कोई घर वर ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको हमारे चैनल को ज़रूर आप विज़िट करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी, समझ आएगी क्या है कैसे है, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी और ये इलाका कैसा है, ये कैसी चीज़ें हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो अभी जो समय हो रहा है वो 12 बज रहा है, धूप जो है वो काफ़ी कड़क है, हवाएं चल रही तो इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं आपको समझ आ गई होगी। तो ये देखिए यहीं से शुरू हो जाती है जो बिल्डिंग्स है, जो सारे डेवलपमेंट है, ये सब सारी पुरानी बिल्डिंग हैं, जब सनटेक नहीं बना था, ग्लोबल नहीं बना था, हाँ अपना घर नहीं था ये, उसके पहले की ये सब पुरानी बिल्डिंग है। इस समय यहाँ पर 3 लाख 4 लाख 5-5 6-6 लाख रुपए के घरें मिला करते थे, ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ, आज से करीबन 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कोई नायगांव में घर नहीं लेना चाहता था, लेकिन आज धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट बढ़ता गया, धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ती गई तो लोग यहाँ पर आते गए, लोग यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लगते गए। और यहीं पे देखिए ये गैस वाले भैया यहीं बैठते हैं और सिलेंडर बेचते हैं। तो ये देखिए मोस्टली जो यहाँ पर हैं क्रिश्चियंस लोग बहुत ज़्यादा हैं, और हम जो जो चंद्र भी इसे कह सकते हैं, नायगांव भी कह सकते हैं, ये दोनों आती है। और ये अमाल नगर जिसे कहते हैं वो है, और ये अमोल नगर है, और ये जो बिल्डिंग है ये ओम शांति सोसाइटी है, और ये उसका पूरा इलाका है। और अगर आपको घर वर लेना है तो प्लीज़ आप ओएलएक्स पर और हाउसिंग पर, नो ब्रोकर पर ना देखें, डायरेक्ट आके आप यहाँ पर अपना घर रूम सर्च करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि लोग दिखाते कुछ और है और देते कुछ और है। तो ये अमोल नगर है और ये अमोल नगर का पूरा आप इलाका देख रहे हैं, और ये सीधा एक गांव की तरफ भी जाता है और एक अलग तरफ भी जाता है। तो ये ओमकार बिल्डिंग है और ओमकार बिल्डिंग का ये पूरा इलाका है। लेफ्ट में देख रहे हैं आप पूरे ये पेड़ वेड़ ये वो सारी चीज़ें हैं,
ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं आप सृष्टि करके, ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी दिख रहा है आपको, इसी के अंदर चलती है कुछ जो बड़े बड़े एक बंगले टाइप का है अंदर, वहाँ पे पीजी चलते रहते हैं अंदर कई सारे हैं। एक बंगले के अंदर कई सारे लोग रहते हैं, करीबन 40 से 50 लोग रहते हैं पीजी में। और ये जो विश्वनाथन ये डेकोर जो इंटीरियर है, इसी के ठीक पीछे की जो एक बंगले, यहाँ पे पीजी चलती है करीबन 3000 रुपये मंथली, और कई सारे बेड डालकर अलग अलग यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो हम पहुँच चुके हैं जो परेरा नगर जूचंद्र, जिसे नायगांव कहते हैं, दोनों कहते हैं, इसका दो नाम है, या जूचंद्र कह लें या नायगांव कह लें। ये नगर पालिका की ऑफिस है और ये उद्यान भी है, गार्डन भी है ये ऐसी साइड, और लेफ्ट में अभी बंद हो जाती है क्योंकि फिर शाम को 4 बजे ये खुलती है और सुबह करीबन ये 6 बजे खुल जाती है। जो महानगर पालिका का गार्डन है इसी रोड पर आता है। तो ये अभी पहले जो बिल्डिंग बनती थी वो करीबन 3 महल्ले की होती थी, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं इस तरह की बिल्डिंग होती थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर होता था, टोटल 4 होता था, 4 से ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। और इसकी हाइट और लेंथ, इसका जो घर के अंदर का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी जो एरिया है वो बहुत ही छोटी हो गई है यहाँ पर, ठीक है, अंदर, ठीक है। अभी जो फ्लैट बन रहे हैं, पहले जो वन रूम किचन में, पहले वन रूम किचन हुआ करता था वो 1 BHK हुआ करता था, आज 1 जो है वो वही है। तो ये जो पूरा इलाका है ये अमोल नगर का है, तो ये अमोल नगर में आपको दिखा दे रहा हूँ तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। तो ये पूरा जो इलाका आपने यहाँ तक देखा, ये अमोल नगर जो नगर है, अपोजिट शिवसेना शाखा है, ये यहाँ तक का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक के आपको एक ब्लॉग दिखा दिया है पूरा, और ये जो रोड है, जो स्टेशन रोड है, यहाँ तक का हमने आपको दिखा दिया है। और ये पूरी पुरानी पुराने बिल्डिंग्स हैं, ये सब सारा आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया है जो शिवसेना का जो ऑफिस है, ये यहाँ तक हम आ गए हैं। चलिए, यहाँ तक का हमने आपको दिखा दिया, उसके आगे की वीडियो में हम आगे की सारी चीज़ें दिखाते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको बताइएगा यहाँ तक का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इसके आगे हम आगे के दिखाएंगे।